विफाक में हम क्या देख रहे हैं? क्योंकि कहा ये जा रहा है, मैं थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन लेट्स जस्ट डू इट, क्योंकि बहुत सारे हल्के ये बात कर रहे हैं कि शायद नून लीग एस्टेब्लिशमेंट के ज्यादा क्लोज है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान पीपल्स पार्टी राइट नाउ. इज इट ट्रू? आई हर्ड फ्रॉम यू. I've heard from a lot of sectors. तो क्या ये बात है कि आप ज्यादा करीब है या नून लीग ज्यादा करीब है? उसे पूछ लें. नहीं, नून लीग वालों की तो बॉडी लैंग्वेज बताती है कि मैं नून लीग से तो नहीं पूछ रहा था. मैं उनका स्पोक पर्सन तो नहीं हूँ. तो अब जो जिसके करीब है उनसे पूछ लें. आपको लगता है कि जो करीब होगा उसी को सीट मिलेगी, या अब वाकई ये पॉलिटिकल वाला हिसाब है? देखें, आपको बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इलेक्शंस के लिए. वो भी फैक्टर है. वो भी एक फैक्टर है और वो काउंट हो रहा है. काउंट होगा. होगा, यानी हम जो वो बात मैं अगला सवाल करना चाह रही थी, आपने थोड़ा सा जवाब उसका पहले दे दिया, लेकिन मैं फिर भी कर लेती हूँ. पुरानी एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ही इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उन्होंने आरटीएस सिस्टम बिठाया, वो पॉलिटिकल नहीं थे. फिर हमने देखा कि जब कमान की तब्दीली होती है तो बाजवा साहब की आखिरी तकरीर है वो ये कहकर जाते हैं कि हमने फरवरी से ये तहैया किया था कि हम ये पॉलिटिकल हैं, और ये तासुर भी है ये पॉलिटिकल. आप गवर्नमेंट में रहे हैं, कोलिशन गवर्नमेंट में रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वाकई ये तासुर है कि वो एक पॉलिटिकल है, मामला से दूर है, और अब जो इलेक्शंस होंगे वो उनके किसी इन्वॉल्वमेंट के बगैर होंगे, खालिस्तन जमहूरी होंगे? देखें, उसके लिए एट द टाइम कम, हम पहले क्यों प्रेडिक्ट करें? जब वो कहते हैं कि वी आर ए पॉलिटिकल, तो व्हाई शुड वी से दे आर पॉलिटिकल? And you are going to trust them, for sure. We have to. You have to. चलें यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसपे नून लीग और पीपल्स पार्टी एक पेज पर नजर आई हमें जब कोलिशन गवर्नमेंट में थी, लेकिन उसके बाद कुछ तब्दीलियाँ रूनुमा हुई हैं, वो क्या है, एक ब्रेक के बाद.